जैसे एक दिन मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो जब मैं परेशान हो रही थी तो मैंने कहा बाबा आप लोगों के घर में तो बहुत शहद निकाल देते हो, बहुत दूधी निकाल देते हो। मैं परेशान हूँ पर मैं हर परेशानी से लड़ सकती हूँ, पर मुझे ये बता दो कि आप मेरे साथ खड़े हो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये थर्सडे को मैंने प्रेयर करी बाबा से, फ्राइडे को जब मैं अपने घर में अपने पूजा घर में गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साईं के फोटो स्वरूप में से वो 4 बूंदे शहद की टपक रही थी। और मैं इतना रोई, मैंने कहा पापा सॉरी, मुझे कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप मेरे साथ हो, आप हमेशा मेरे साथ हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो बस ऐसे बहुत से हैं। बहुत सुंदर सीमा जी, और बहुत तो सुंदर, बहुत अच्छा लगा बस मुझे बाबा पापा के। हर जगह साथ देते हैं, बहुत जगह साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं वो। अच्छा एक और मैं शेयर करूंगी, वो शायद किसी के मायने रखता हो ना रखता हो, पर मेरे को वो मेरा वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। पर आपको मैं सुनाती हूँ, जब मैं 2018 में बाबा ने मुझे जैन से ही बहुत प्यार करा, शुरू से ही जब साल शुरू हुआ था तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार देना, मुझे खुद लगता था कि बाबा शायद अब मुझे और ज्यादा ज्यादा वो करने प्यार करने लग गए हैं, और मैं बहुत खुश होती थी। तो जैसे एक दिन क्या हुआ, दशहरे के दिन जैसे लक्ष्मी बाई सिंधे को बाबा ने 9 सिक्के दिए थे, सबको पता होगा साईं भक्तों को कि 9 सिक्के दिए थे। तो अब क्या है कि मैं उनके उतना तो नहीं हूँ कि मैं लक्ष्मी बाई से अपनी तुलना करूं, एक छोटी सी भक्त हूँ बाबा की। पर उस दिन क्या हुआ, बाबा ने क्या लीला रची, मैं समाधि में जैसे गई तो वहां कोई बाबा जी बैठे थे, उन्हीं के शायद कोई थे अब्दुल बाबा। तो मैं जैसे परिक्रमा करके बाहर निकली ना, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई पर मैं उतर गई। जैसे मैं उतरी तो उनके जो वहां पे बाबा बैठे थे जो सेवा कर रहे थे अब्दुल बाबा की समाधि पे, उन्होंने मेरे किसी फ्रेंड को बोला कि ना आप उसको ना ही चुपके से मुट्ठी भर के उसको दे दो, उस लड़की को, तो जैसे जो जो मैंने पहन रखा था वो कलर के, उसको दे दो। वो आए और मेरे को दिया उन्होंने, मैंने देखा क्या है, तो एक एक के 9 नोट थे उसमें, नए नोट जो चले थे। और मैं तो बहुत खुश हो गई कि बाबा ने मुझे ये दक्षिणा दी, इनके हाथों दिलवाई, कैसे भी दिलवाई, जरिया बनाया। तो मैं ना उनसे तुलना करने लगी कि बाबा ने दशहरे पे लक्ष्मी बाई को दिए थे, अरे मुझे तो नोट दिए। तो ये छोटा सा, तो उस दिन की जो मैं आज भी उसको सोचती तो बहुत खुश होती, बहुत अच्छा सा महसूस करती हूँ कि बाबा के मतलब डिवोटी में मेरा एक छोटा सा नाम, मतलब कुछ सोचती हूँ कि इतना कुछ तो होगा मेरा, कुछ तो भक्ति होगी जो बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना कुछ दिया। बहुत ऐसा जो भी है कृपा बाबा की कृपा है, बाबा कभी भी मैं कुछ चीज सोचू और वो काम ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। और बस जो भी मैं बाबा से मांगती हूँ बाबा मुझे वो देते हैं, भले 2 दिन बाद दे 3 दिन बाद, वो चीज मुझे मिलती जरूर है। और बस मैं बाबा से कहती हूँ बाबा ऐसे प्यार बनाए रखो और जिंदगी ही निकलती चली जाएगी आपके प्यार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर, बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंस, बहुत बनाए अच्छे, की कृपा बनाए रखे, बिल्कुल बनाए रखेंगे बाबा वैसे आपकी। बहुत सी बातें, जैसे एक बार थोड़ी सी उदी निकली घर में, थोड़ी उदी निकली, अब खेतपाल जी के यहाँ से मेरे यहाँ मूर्ति आई थी, तो दिन का टाइम था, 2:30-3 बजे की बात थी, तो मूर्ति आई, मैंने कभी मेंबरशिप ले रखी होगी तो उस साल तो मैंने कोई मेंबरशिप भी नहीं ले रखी थी, वो हट चुकी थी, मैंने उसको रिन्यू नहीं कराया था। फिर भी वो क्या हुआ कि अक्षय तिथि वाले दिन मेरे पास साईं बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति आई, तो जैसी आई तो देखो बाबा घर में आएंगे तो वो बात ही अलग होती है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह साईं आज कितने अच्छे दिन बाबा आपने दिन चुना और आप अक्षय तिथि वाले दिन आए। और मैंने फिर बाबा को उसी टाइम 2:30-3 बजे मैंने स्नान कराया, शहद दूध दही से स्नान करा के अपने घर के मंदिर में बिठा दिया। और मैंने बोला कि बाबा देखो मैंने बिठा दिया, बिठाना मेरा, आप आपकी मौजूद आप बैठे हो ये मुझे जरूर दिखा देना कि आप सच में बैठे हो या नहीं बैठे। ऐसे जैसे हम लोग बाबा से बातें करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें, मनगढ़ंत बातें अपने अंदर चलती रहती है। तो मैंने कहा बाबा आप क्या हुआ, ये दिन की बात थी और मैं दोहावली पढ़ती थी, दोहावली की जो मैं बुक पढ़ती थी, दोहावली की बुक पढ़ती थी बाबा की। तो माँ बाबा रखे थे, जब मैं शाम को जोत जलाने जैसे गई देखा तो उस धुआं बल्ली में इतनी सारी उदी उदी, जैसे हाथ से किसी ने ऐसे फेर रखा हो, ऐसे फेरा हो।
तो बस बाबा और क्या चाहिए हमारे को। अब तो मैं नहीं कभी कहती बाबा से, अब तो ये कि अब बाबा को मेरी याद आती है वो बुला लेते हैं, मुझे इतना विश्वास है। अब वो भी तड़प रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और हमारे बाबा भी हमारे को याद कर रहे हैं, वो जल्दी से खत्म हो और हम जाए। जैसे लॉकडाउन ये कोरोना खत्म होगा, मंदिर खुलेंगे, मैं सीधा बाबा के पास जाऊंगी, बाबा मुझे बुलाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका विश्वास बहुत प्यारा और सच्चा है, और बाबा आपको जरूर बुलाएंगे, और हम नहीं जा पा रहे पर बाबा हमारे पास यहाँ पे भी है, हमारे साथ। ओम साईंराम। बहुत सुंदर, बहुत हमारे साथ। वो बोल बैठे, हम यही सोचते हैं बाबा हमारे घर पे भी है, हमारे घर पे है, यहाँ पे है, हमारे साथ ही फील होता है। पर जैसे जहाँ शिरडी का नाम आता है ना, तो शिरडी के नाम से तो बस देखो कुछ तो है, नंदा शिरडी पहुंच गए ना, चाहे समाधि मंदिर में नहीं गए, नंदा दीप में बैठ गए, गुरु स्थान पे बैठ के, कहीं भी बैठ के, वो सुकून और अलग हो जाता है, वो थोड़ा और आनंद आ जाता है। वैसे तो बाबा यहाँ भी है, इस टाइम भी है, और हो सकता है हमारी बातें सुन भी रहे हो, बैठे हो सामने। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा दे सुन, बाबा ही सुन रहे हैं, तभी तो आज ये प्रोग्राम आपको लेके आया है इसमें, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं, हम सबके साथ। थैंक यू, और मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस महीने बोला, क्योंकि इस महीने मेरा बर्थडे है, तो मेरा बर्थडे है, और बाबा ने मेरे को लगता है गिफ्ट दिया है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और यार ये सच में है, ये आज थर्सडे का दिन है और सितंबर है, मेरा बर्थडे भी इस महीने आ रहा है, तो मुझे बाबा ने ये मुझे गिफ्ट दिया है, उनका गिफ्ट शुरू हो गया। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं साई मुस्कान परिवार की तरफ से। थैंक यू बाबा, आपको बिल्कुल बिल्कुल सब